केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार गरीबों के हित में योजनाएं बनाती है और गरीबों के लिए राशन दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन राशन के नाम पर जो खेल हो रहा है उसे हम और आप सभी परिचित हैं। लगातार बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। इसी बीच जब किल्लाई ग्राम के सरपंच कपिल सोनी अपने ग्राम के लोगों को लेकर खाद्य विभाग पहुंचे, वहां के जो अधिकारी का रवैया था उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। गरीबों की सुनने के बजाय अधिकारी केवल अपने आप को महत्व दे रहे हैं। 3 बार इनके कागजात जमा हो चुके हैं, 3 वर्षों से राशन नहीं मिला और ये आज भी परेशान है। किस तरह से यहाँ पर पूरा वाकया हुआ और क्या कहते हैं गरीब परिवार और सरपंच, ये हम आपको सुनाते हैं। 8-8 सवारी में से 8 जन है, 8 जन में से मिलेगा 2 जनों को, 1 जन को मिलेगा। निरंतर धीरे धीरे कम हो रही है पर्चियां। 8 जन में से किसी बार में किस बार कह देंगे आपका नाम नहीं आ रहा, क्या पेट पाल पाएंगे? अभी तो ऐसा है, लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में कुछ घरों से मांग कर खा रहे हैं कि लाइन में लोग घरों में घर घर घूमते हैं, जिसको पढ़ना चाहिए। 3 सालों में पर्चे बंद हुए, मैं कम से कम 25 से 30 बार तो आपसे ही मिल चुका हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके मिल चुका हूँ। एक घंटा हो गया हमें, आप बात कैसे कर रही हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। यस, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा अधिकार है बात करना, लेकिन आपका अधिकार ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके आप डॉन करेंगे। ये आपका गलत व्यवहार है, हम आपके व्यवहार से दुखी हैं। बकायदा ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि के साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन आपने पहले मुझसे क्या कहा, कुछ कहा क्या आपने? कहा 1 घंटा, मुझे अभी 5 मिनट नहीं हुई आए, आपके लिए 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं। देख रहे श्रीमान, आप क्या ऐसी समस्या हुई ताकि पब्लिक के साथ आना पड़ा? चूंकि हमारी पंचायत जो किल्लाई है उसकी पर्चियां, खाद्यान्न पर्चियां निरस्त हो चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि जो पर्चियां चालू हैं उनमें आप आधार कार्ड लिंक कराएं। 1 बार 2 बार 3-3 बार हम लोग आधार कार्ड दे चुके, लिंक करा चुके, परंतु जिनको 40-35 किलो अनाज मिलता था आज उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है और अधिकांश पर्चियां निरस्त हो चुकी, अभी तक वो चालू नहीं हुई। कई बार खुद अधिकारी से मैं खुद आया, मिलने गया, उनने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए उनको पूरा किया, उसके बाद भी आज भी पर्चियाँ चालू नहीं हैं। लोगों को खाद्यान्न में बहुत परेशानी हुई, वो अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन के समय में जब सरकार मदद कर रही है तो अधिकारियों की उदासीनता बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस जगह के लोगों को कुछ समस्याएं हो रही हैं, उन्होंने तो फरमान जारी कर दिया, फिर वो देखने भी नहीं जाते कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी विषय को लेकर हमारे गाँव के कुछ लोग अभी आए हैं और अभी हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे कलेक्ट्रेट के सामने, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। बहुत गेहूँ मिलता था, अच्छे खाद्यान्न मिलता था, जब से लॉकडाउन से पहले ही से कम पूरा कम पूरा पारवी मोहल्ला पूरा परेशानी में है। कोनों के 6 सदस्य है, कोनों के 5 सदस्य है, कोनों के 4 सदस्य है परिवार में, कोनों के अब परिवार में अभी तक अभी 1 सदस्य का भी मिलता है, कोनों 2 सदस्य का मिलता है गेहूँ, उसमें बच्चों का पेट भी नहीं, गुजारा नहीं चल पाता है। इसलिए सरकार के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिए, आधार कार्ड भी दिए लिंक कराने के लिए, तो उसमें भी 2-3-4 बार भी दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है। अब तक 1 जने का मिलता है तो उसमें खाली 1 ही दिन का खाली ना खाते हैं और तो कोई जैसे के जैसे देते हैं, कोई मदद नहीं मिलती है। इससे आवेदन है महोदय से, कलेक्टर साहब से, के निवेदन करके हमारी गरीबी जनता की पूरी सुनवाई कृपा करके हमारी दर्ज करें। किसान को मिलेगा क्या खाएगा, पलेगा उसमें, बच्चों को पालेगा कि हम लोग पलेंगे, किसको खिलाएंगे? क्योंकि पास 5 बच्चा है, कोई के पास 6 बच्चा है, उन लोगों को कहाँ से खिलाएंगे? 1 महीने में किसी को 5 किलो मिलता है, किसी को 10 किलो मिल जाता है, कोई को 4 किलो मिलता है, ऐसा अनाज मिलता है, वो अनाज को हम क्या कितना दिन खाएंगे? क्या चाहते हैं आप? हम तो ऊपर चाहिए कि एक आदमी के लिए 10-20 किलो मिलने चाहिए।
अभी नहीं मिलता। जितना घर है उतने आप बच्चे के लिए, तो जितना उस सबको नाम कार्ड देते हैं सर, जितना घर में नाम है एक दो नाम कार्ड देते हैं, फिर बाकी के दो का तीन का मिलता है, क्या कम का अनाज मिलता है सब? पूरे सदस्यों का नहीं मिलता, पूरा का नहीं मिलता, पूरा का मिलता था क्यों हम यहाँ पे आते। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक गरीबों की सुध खाद्य विभाग लेता है, कब तक इनके घरों तक राशन पहुंच